अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि हम आगे आगे मूव कर रहे हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनका बींग अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट, बींग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर, बींग अ सिस्टम एनालिस्ट, बींग अ सिस्टम डिजाइनर, आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पता नहीं होगा आप बहुत सारी चीजों से अपने सॉफ्टवेयर को एक अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और ये बात भी आपको अच्छी तरह पता है कि जब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं करते तब तक वो चीज किसी टेंजिबल फॉर्म में, किसी डिस्कशनेबल फॉर्म में वो नहीं आती। तो जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जब किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करनी हो, कुछ क्लैरिफिकेशन करनी हो, तो आपको उसको डॉक्यूमेंट जरूर करना पड़ता है। सेम इज द केस फॉर रिक्वायरमेंट्स भी हमें डॉक्यूमेंट करनी जरूरी है, इन्हीं वजह से, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना आए और लेटर डेवलपमेंट स्टेजेस में ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बायस भी बने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के बीच में। और ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमने बात की थी और अभी लेक्चर में भी जिक्र होगा इस चीज का, SRS का हमने जिक्र किया था। SRS हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ तरीके से बनती है, बट अल्टीमेटली जिस तरह से भी बने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसका अल्टीमेटली मकसद यही होता है कि दोनों पार्टीज यानी कि डेवलपमेंट एंड और क्लाइंट एंड, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, दोनों जो एंड्स हैं वो एक ही बात पे मुत्तफिक हों और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन हो, ताकि जब उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट बने ताकि वहां पे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, गैप की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। ठीक है, तो यही बात आज सारी हम अपने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। वंस अगेन अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा एक अच्छी बात से अपना सेशन का आगाज करते हैं, तो जो आज की अच्छी बात है वो रिगार्डिंग है अल्लाह ताला से मोहब्बत और उनके प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ठीक है, तो सूरत आल इमरान में क्या जो है वो हुक्म हो रहा है कि से टू देम इफ यू लव गॉड फॉलो मी एंड गॉड विल लव यू। ठीक है, डिस्कशन में भी लिखा हुआ है वी सीक द लव ऑफ अल्लाह नॉट द लव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट इफ वी वॉन्ट अल्लाह टू लव अस वी मस्ट लव फॉलो एंड ओबे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द गोल इज अल्लाह लविंग अस। कि अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि अगर आपने मुझे पाना है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपको मेरे महबूब से भी मोहब्बत करनी होगी। ठीक है, जैसे आपको जब कोई चीज बहुत प्यारी हो ना, तो जब आप अगर कोई इंसान आपकी उस प्यारी चीज से प्यार करता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली उससे प्यार हो जाता है कि आपसे वो इंसान आपकी प्यारी चीज को वो पसंद करता है, आपकी प्यारी चीज से प्यार करता है। जैसे माँ के लिए बच्चा होता है ना, उसके बच्चे को अगर कोई प्यार करे तो माँ उसको, उसके लिए वो माँ जो है ना, उसके लिए वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसे, ये मेरे बच्चे से प्यार करता है। तो इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक हम मोहब्बत नहीं करेंगे हम ईमान की तकमील तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें हमारे हबीब को मोहब्बत करनी है, और उनसे मोहब्बत का हक क्या है कि हम उनके अहकाम पे अमल करें, उनके उसवाए हुसना को अपनी जिंदगियों में अप्लाई करने की कोशिश करें, और उनके बताए हुए रस्ते पे जो है, और जो बताया हुआ रास्ता है वो सच्चा रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, उस रस्ते पे अपने आप को रखने की कोशिश करें। और जैसे वो मामलात रखते थे अपने, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी जिंदगी है वो कुरान पाक का एक अमली, जिसे कह लें कि एक मजमुआ है। अगर उसवाए हसना कोई एक इंसान जो है ना, वो हम वैसे तो बहुत गुनहगार लोग हैं, मगर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम उनके रस्ते पे चलें तो ना सिर्फ हम अपनी जिंदगियां संवार सकते हैं, अपने मामलात, दीनी मामलात संभाल सकते हैं, दुनियावी मामलात संभाल सकते हैं, और उखरवी आखिरत के जो मामलात हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में तो हम बड़े एक टेम्परेरी टाइम के लिए हैं, एक्चुअली अल्टीमेटली तो हमें अपनी आखिरत की जो है तैयारी करनी है।
और हमें जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए हमें हबीब की मोहब्बत जो है वो मस्त जो है वो हमें अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करनी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करें और उनके बताए हुए रास्ते पे हम अमल पैरा हो के अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए हकदार जो है वो ठहर जाएं। आमीन सुम आमीन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने बात की थी कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स फेच करनी है, क्योंकि अभी हम एलिसिटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से, जिसमें हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स देखी, हमने इंटरव्यूज देखे, हमने वर्कशॉप्स देखी। अभी आज हम एक टेक्निक देखेंगे, स्टोरी बोर्डिंग की टेक्निक भी एक जो है वो रिक्वायरमेंट सेलिसिटेशन के लिए यूज़ होती है। और अब मुझे रिक्वायरमेंट सेलिसिटेशन मेरा ख्याल है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि रिक्वायरमेंट सेलिसिटेशन एक्चुअली होता क्या। अब जब आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है या आपने एक नए सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है या कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आपके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं और वो आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, यानी कि जिसे हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इन वेरी टेक्निकल टर्म्स कहते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अब ये हमने इनिशियल अपने लेक्चर्स के स्टार्ट में हमने देखा था, जब हमने अपना एस रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का सेशन और जो जर्नी हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं इन बिल्डिंग 2B सिस्टम। ठीक है, एज इज इन 2B का बात हो रही थी ना, तो हमें 2B सिस्टम बिल्ड करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग बहुत सारी ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो आपको जब भी अंडरस्टैंड करना है 2B सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स, तो आपको एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसका पता होना बहुत जरूरी है। अब एग्जिस्टिंग नॉलेज या बैकग्राउंड नॉलेज या बैकग्राउंड स्टडी या बैकग्राउंड रीडिंग इज अ वेरी क्रूशल थिंग। और इसमें क्या शामिल है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक प्रोसेस सॉरी एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको बैकग्राउंड पता हो, उस कंपनी की रिपोर्ट्स पता हो, उनकी हायरार्की पता हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स पता हो आपको, जिसका मैंने रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप में भी जिक्र किया था कि टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, CEOs हैं, कौन है, पॉलिसीज उनकी पता होनी चाहिए आपको, उनकी वहां पे मौजूद लोगों की जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। जैसे जब भी बंदा कभी जॉब पे लिए जाता है, आप हायरिंग होती है, तो हर एक एम्प्लॉय को एक JD साइन की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन साइन की जाती है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका बीइंग एन एम्प्लॉय क्या क्या जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको मुख्तलिफ किस्म के एग्जिस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन, फॉर द एलिसिटेशन, फॉर द कलेक्शन, फॉर द गैदरिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ 2B सिस्टम। अब आपको वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है लोगों से मिलने से पहले, और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का भी पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने जा रहे हैं उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में क्या है। एग्जिस्टिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, वही बात है, एज ए सिस्टम की बात हो रही है जिससे हमने मूव करके 2B सिस्टम बिल्ड करना है। तो जब हमें बैकग्राउंड स्टडी कर ली, तो हमें अब एज ए सिस्टम से रिलेटेड, इस वक्त जो भी सिस्टम है, मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटेड है, जिस तरह का भी सिस्टम है जिसको देख के 2B सिस्टम आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी हमें जो है वो किसी किस्म की भी डॉक्यूमेंटेशन हेल्प आउट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर मैनुअल्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी अगर सिस्टम एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है तो उसका भी कोई SRS बना होगा, वो आप कर सकते हैं। या अगर फुली ऑटोमेटेड भी है तो भी आपको पता है कि 2B सिस्टम बनाना हो तो इसका क्या मतलब है कि वो अपग्रेड हो रहा है विद न्यू रिक्वायरमेंट्स, विद न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, विद न्यू अपग्रेडेशन। तो डेफिनेटली जो पहले 2B सिस्टम सॉरी एज ए सिस्टम है वो अगर ऑटोमेटिक भी है तो उसका SRS तो बना होगा, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड एंड टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ न्यू 2B सिस्टम। और क्या है कि ये एज अ री इंजीनियरिंग मेथड भी कंसीडर करते हैं। क्यों 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 आप यूजर के डॉक्यूमेंट से आप क्या बनाना चाह रहे हैं, सिस्टम की इंफॉर्मेशन पिक कर रहे हैं।
सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो यूजर के डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आप क्या निकाल रहे हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हैं। और हमारा मकसद क्या है कि हमने जो है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस करनी है, और जो वैरायटी है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स जहां पे आ सकते हैं और उनको हमने रिजोल्व करना है, उनकी उनके आने के चांसेस को हमने कम करना है, और वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स जहां से भी हमें मिल सकती हैं, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से फॉर अंडरस्टैंडिंग आर टू बी सिस्टम बाय कंसिडरिंग एज ए सिस्टम। तो आपको जहां से भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जस्ट फैच इट अप। नाउ वी ऑलरेडी नो जब हमने कोई काम करना हो, जब हमने कोई नया प्रोजेक्ट करना हो, या जो भी हमने कोई नया एक वॉयज स्टार्ट करना हो, या नया जो भी आपने चैलेंज लेना है, उसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इकट्ठे करने होते हैं, डेटा इकट्ठा करना होता है आपने, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। और हम तो पढ़ ही एलिसिटेशन रहे हैं, तो उसका मकसद ही क्या है, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, गैदरिंग, फेचिंग, जो भी आप कह लें इस वर्ड को। तो उस सिलसिले में आपको डेटा की कलेक्शन भी चाहिए। आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है डेटा आपको चाहिए कौन सा, और फिर आपको उसको कलेक्ट भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कोई सर्वे के रिजल्ट्स ले सकते हैं, मार्केट में आपने कोई सर्वे कराया किसी सॉफ्टवेयर की नीड से रिलेटेड, वो भी आपका हार्ड डेटा में आता है। कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ भी ऐसा डेटा जो कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए हेल्प कर सकता है फॉर इट्स बिल्डिंग, फॉर इट्स डेवलपमेंट, एंड फॉर द सेक ऑफ इट्स, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ताकि रिक्वायरमेंट्स को हम जो है वो अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को हम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। अब आप इस टार्ट्स का शायद कुछ लोगों को आइडिया हो, बेशक आपने नहीं पढ़ी हुई या नाम शायद सुना हो, कि स्टैटिस्टिक्स में जो है वो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सैम्पलिंग का और पॉपुलेशन का। अगर आपने सुना हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना हुआ तो मैं थोड़ा सा अगर आपको गाइड करूं तो ये है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपको पता है पॉपुलेशन वर्ड से ही पता है आबादी, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब पूरी पॉपुलेशन को आप स्टडी नहीं कर सकते, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना इट्स नॉट फीजेबल, आप एक लिमिटेड टाइम में एक पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। तो जो टेक्निक यूज होती है उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए, या उस पूरी पॉपुलेशन को देखते हुए एक रिजल्ट इन्फर करने के लिए, दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल से निकला है, और सैंपल क्या होता है कि सैंपल जो है वो एक छोटा सबसेट होता है जो कि रिप्रेजेंटेटर होता है उस ओवरऑल पॉपुलेशन का। तो क्या करेंगे हम, डेटा के सैंपल्स को देख सकते हैं। डेफिनेटली डेटा अगर बहुत सारा है, बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं ज्यादा, मतलब आपको सोचें कि बैंक के जो हैं वो ढेर सारे अकाउंट होल्डर्स हैं, और रोजाना डेली बेसिस पे काफी सारी बैंक ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हो रही हैं किसी एक बी सी एक्स वाई जी बैंक में, तो इट्स नॉट फीजेबल कि आप वो सारी ट्रांजेक्शन्स, एक दिन की भी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो आप सारों को देखें। तो आप क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ डेटा कलेक्शन आप कुछ पार्ट, कुछ चंक, कुछ सबसेट जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, तो उससे आपको जो है ना वो डेटा मिल जाएगा, और आपको रिक्वायरमेंट्स को जो है ना समझने में हेल्प आउट होगा। जैसे नीचे लिखा भी हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने डेटा कलेक्शन का, आपने तो पहले डिसाइड किया कि आपने डेटा कौन सा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो है ना, आपने आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का जो है आपने कोई डेटा कलेक्ट किया। देन उसके बाद आपने क्या किया, आपके लिए डेफिनेटली आपने पॉसिबल नहीं है कि आप सारी ट्रांजेक्शन्स को आप करें, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है ना सैंपल आपने कोई जो है ना वो डिटर्मिन किया है, कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 लोकल ब्रांचेस का विद इन 1 वीक जो है ना वो डेटा अंडरस्टैंड करेंगे। अब वही बात है, आपको पता है कि शायद अगर पढ़ी हुई है स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं सैम्पलिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सैंपल भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का सैंपल ले रहे हैं, तो अब टेक्निक भी मैटर करती है और सैंपल साइज भी मैटर करता है इन द टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस फॉर इन्फरिंग एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ओवरऑल पॉपुलेशन। तो ये वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ हार्ड डेटा कलेक्शन टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स एंड नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर टू बी सिस्टम। नाउ
हेयर कम्स द नेक्स्ट एलिसिटेशन टेक्निक, दैट इज स्टोरी बोर्डिंग. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर एलिसिटेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. ये इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम यूजिंग पिक्चर्स, ठीक है, अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो हम फॉर्मल डायग्राम्स की बातें कर रहे थे, या हम अभी तक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, या फॉर्मल प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे. इट्स नॉट दैट फॉर्मल. इट्स सॉर्ट ऑफ एन ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फेचिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग अ 2B सिस्टम इन अ वेरी फ्रेंडली वे और इन अ वेरी ईजी वे. ये जो टेक्निक है स्टोरी बोर्डिंग की, ये फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्ग अगो फिल्म इंडस्ट्री में यूज होती थी. और इसमें जो है ना वो स्केचेस के थ्रू प्रोफेशनल टीम, प्रोडक्शन टीम को जो है ना वो स्टोरी जो है ना वो ब्रीफ की जाती थी. शायद आपको याद हो बचपन में आप लोग कॉमिक्स पढ़ते थे. मैं खैर मुझे अभी भी शौक है कि कॉमिक्स का, बचपन जवानी क्या बंदा उसमें पढ़ सकता है. अभी भी शायद कुछ लोग मेरी तरह पसंद करते हो. कॉमिक्स होते थे, कॉमिक्स अब शायद आप लोग अंदाजा होगा कि कॉमिक्स क्या. कॉमिक्स में ना करेक्टर्स के को यूज करते हुए इमेज बाय इमेज, सिनेरियो बाय सिनेरियो एक सिचुएशन को जो है ना वो पोर्ट्रे किया जाता है कि आप इमेजेस के थ्रू छोटे छोटे सीन्स जो है वो बना के तो आप एक सिचुएशन को, एक सिनेरियो को जो है वो आप इंटरप्रेट करने की जो है वो कोशिश करते हैं. तो वो सेम कॉन्सेप्ट जो था वो ये स्टोरी बोर्डिंग का जो है कॉन्सेप्ट है, और वो एड करता है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स. एंड स्टोरी बोर्डिंग टेल्स अ स्पेसिफिक स्टोरी, जैसे अभी बात की थी कि एक स्टोरी, एक पर्टिकुलर स्टोरी को इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ सिनेरियोस ड्रॉ करके जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाती है कि आप एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर से क्या करवाना चाह रहे हैं और क्या बिजनेस प्रोसेस है जो कि आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. अब जो स्टोरी बोर्ड है, इट्स अ लॉजिकल कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी फॉर अ स्पेसिफिक सिनेरियो, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. एंड इसके अंदर जो है वो सिस्टम के यूजर और सिस्टम के दरमियान जो एक इंटरेक्शन हो रहा होता है उसको जो है वो ड्रॉ करके आप इन्फॉर्मेशन जो है वो समझने की या कन्वे करने की या अंडरस्टैंड करने की या फेच करने की कोशिश कर रहे होते हैं. और अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब भी प्रोजेक्ट अभी शुरू होता है उसकी अर्ली स्टेज में, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर, जो बनने वाला सॉफ्टवेयर है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अभी आगे एग्जाम्पल्स आएंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब स्टोरी बोर्ड जो है हम क्यों यूज करें, वही बात है कि यूजिंग ये जो इमेजेस हैं, यूजिंग डायलॉग बॉक्सेस यूज कर लें, विंडोज यूज कर लें, मेन्यूज यूज कर लें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता स्टोरी बोर्डिंग में कि स्टोरी बोर्ड्स आपने ऐसे ही क्रिएट करने हैं. इवन आप अगर इसको थोड़ा सर्च आउट करें इंटरनेट पे, तो स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी अब एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको स्टोरी बोर्ड्स बनाने में आपको हेल्प करते हैं. और आप उन टूल्स को यूज करते हुए अपने स्टोरी बोर्ड्स, मुख्तलिफ तरह के अपनी मर्जी के स्टोरी बोर्ड्स आप बना सकते हैं. अल्टीमेटली मकसद क्या है आपका, कि जस्ट यू नीड टू क्लियर, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू जस्ट नीड टू फेच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए 2B सिस्टम इन एनी वे, कि किसी तरह भी आप जो है ना उसको समझ सकें, बना सकें और अपने क्लाइंट के साथ उसको क्लियर कर सकें कि मैं समझ के, मुझे ये समझ आ रही है और ये सिस्टम ऐसे काम करेगा. तो आप मुझे बता दें कि क्या आपके दिमाग में भी जो एक 2B सिस्टम का इमेज है वो इसी तरह ही है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट, किसी किस्म का कोई गैप तो नहीं है. तो ये जो इमेजेस हैं उन फीचर्स को जो है या उन सर्विसेज को जो है वो पोर्ट्रे करने का काम करते हैं. पहला इसका फायदा, या ये क्यों हम करते हैं उसकी वजह, सॉरी. और दूसरी वजह ये कि यहां पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि यहां पे डिफरेंट स्क्रीन्स जो हैं वो, या डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो मिलके एक ओवरऑल सिस्टम का, जो इंटेंडेड सिस्टम, जो बनने वाला सिस्टम है या जो आप चाह रहे हैं जो सिस्टम बनाना, उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है. और वो ये जो नेविगेशन है, नेविगेशन का ऑप्शन, यानी कि एक के बाद एक आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, ये जो नेविगेशन है वो आपको जो है वो अलाउ करती है ताकि आप इंटेंडेड सिस्टम का जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शनैलिटी है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें. अब ये जो स्टोरी बोर्ड्स हैं, ये आप ना सिर्फ अपने पोटेंशियल यूजर्स को बल्कि अपने कोलीग्स को, अपने डिजाइन टीम को, हर तरह के स्टेक होल्डर को जो है वो इजीली आप दिखा सकते हैं और उनके साथ इजीली आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो वर्क करेगा और
आप जो है उसको किस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, आपको नजर आना शुरू हो जाता है सिस्टम के प्रोसेसेस यूजिंग स्टोरी बोर्ड्स। और उससे क्या होता है कि आपको जब आपको नजर आनी, क्योंकि जुबानी कलामी जितनी हम बातें कर रहे होते हैं ना, वो जब तक आपको नजर नहीं ना आता होता हुआ, तब तक आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स ना दूं या एग्जाम्पल्स ना दिखाऊं तो आपको वो नजर नहीं आता, विजुलाइज नहीं कर पाते आप। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ रहा होता है मगर आप उसको ना विजुलाइज नहीं, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे होते जब तक आपको एग्जाम्पल्स ना दिखाई जाए या आपको टेंजिबली कोई चीज, कोई ग्राफिकली, कोई विजुअली आपको कुछ दिखाया ना जा रहा हो तो आपको पता नहीं चलता। और वही बात है कि जब तक कोई चीज टेंजिबली आपके सामने नहीं आती तो उसके ऊपर जो फीडबैक है या उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो इतनी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कि डिस्कशन से, फीडबैक से ही आपका सिस्टम जो है वो ग्रो करता है और आप इसके उसके ऊपर जो है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये जो स्टोरी बोर्डिंग का टेक्निक है, जैसे बार बार बात हो रही है, ये डिजाइन के लाइफ साइकिल में अर्ली जो है वो यूज हो सकता है। अर्ली मतलब बहुत जल्दी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इससे क्या है कि आपको बहुत हेल्प मिलती है फॉर द सेक ऑफ रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन। इवन हमने पढ़ा था ना रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में, डिफरेंट स्टेप्स हैं, एलिसिटेशन, डिजाइनिंग, वेरिफिकेशन, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, मुख्तलिफ हमने पढ़ी थी स्टेजेस आपकी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के, जो फेजेस हैं या डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें एक वेरिफिकेशन का भी स्टेज है। तो आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज रिव्यू, चेकिंग, टेस्टिंग या वॉट एवर आप उसको कह लें, कुछ भी कह लें, कि जिसमें हमने चेकिंग करनी है। तो जब एक चीज अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में आप जो है ना ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आप सोचें कि जब आपने दोनों पार्टीज दरमियान में एक चीज रखी है स्टोरी बोर्डिंग, और अब सिस्टम आपको विजुअली जो है वो आप विजुलाइज करने लगे हैं, रियलाइज करना शुरू हो गए हैं, तो अर्ली आप जो है ना रिक्वायरमेंट्स की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो मैं समझ रहा हूं वो यही बात है। और अगर यूजर आपको कहते हैं नहीं ये बात ये तो नहीं है, तो फिर वो वहीं पे उसकी क्या हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, वहीं पे वो चेक हो जाता है कि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पता है फिर जहां अर्ली आप निकाल लेते हैं प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम उधर ही जो है वो खत्म हो जाता है और लेटर स्टेजेस में वो प्रॉब्लम मूव ऑन नहीं करता। और यही हमारा अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर, बींग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बींग अ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर, हमारा ये मकसद है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अर्ली हमने जो है वो क्या करना है, हमने रेक्टिफाई करना है, उनको मिटिगेट करना है, उनको रिड्यूस करना है, उनको रिमूव करना है फॉर मेकिंग लाइफ इजी फॉर लेटर डेवलपमेंट स्टेजेस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पे जो है वो एग्जांपल आ गई है स्टोरी बोर्डिंग की। ये यहां पे जो है ये देखे, मैं यही आपको बता रही थी कि डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट सिनेरियोज, यहां पे 1, 2, 3, 4 चार सीन्स बनाए हुए हैं और ये सीन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि स्टोरी बोर्डिंग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोग करते हैं। कुछ लोग फोटोग्राफ्स बना के, जैसे अभी यहां पे फोटोज बनी हुई हैं, कुछ लोग इंटरफेसेस बना के, यूजर इंटरफेसेस बना के, विंडो, मेन्यू, ये आपको सारा पता है, माशाल्लाह आप काफी कंप्यूटर प्रोफेशनल है, विंडोज, मेन्यूज, आइकॉन्स, बटन्स, इन सबको यूज करते हुए जो है आप इंटरफेसेस क्रिएट कर लें, उनको आपस में कनेक्ट कर दें, इस तरह ड्रॉ कर लें, दैट्स अप टू यू। आप हाथ से तस्वीरें बना के उनको कनेक्ट कर दें, दैट्स अप टू यू। आप एक्टिविटी डायग्राम, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे स्टोरी बोर्ड्स यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू। सो इसलिए स्टोरी बोर्डिंग में आपको कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल आपके लिए, बस आपने यही तरीका यूज, मकसद क्या है आपका, अर्ली वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड टू रीच अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। तो यहां पे देखें, यहां पे क्या है कि शिप इमरजेंसी के मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टोरी बोर्ड बना हुआ है और पहले सिनेरियो में देखें उन्होंने क्या है कि वो पूरा आपको सिनेरियो बता दिया है कि शिप है, फिर उसका एक अलार्म सिस्टम है, फिर एक क्रू है, ये होगा सिनेरियो वन। दूसरे सिनेरियो में वो क्या बता रहा है कि अगर कोई हैजर्डियस सिचुएशन होती है, हैजर्डियस कार्गो, तो उसका डिस्प्ले कैसा होगा। वो देखें उन्होंने डिस्प्ले में कुछ चीजें बताई हुई हैं, फिर बता रहे हैं कलर कोड से आपको हैजर्ड बताया जा रहा है कि कलर कोड कर दिया, अगर हैजर्ड आ गया तो उसका कोई कलर कोड होगा। फिर एक माइक बनाया हुआ है साथ के, अगर कोई हैजर्ड आता है तो माइक के थ्रू जो है ना एक वो अनाउंसमेंट होगी। देन उसके बाद वो देखें टू के बाद थ्री उन्होंने कनेक्ट किया है कि क्या है कि अगर कोई हैजर्डियस सिचुएशन होती है तो वो जो क्रू का जो है कह लें कि वो क्रू की पूरी लिस्ट है, फिर स्टेटस है किसका क्या स्टेटस है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस, वो रिपोर्टिंग हो रही है। और फिर उसके बाद ये देखिए चौथे में क्या है कि एडवाइस ऑन फायर फाइटिंग के, अब अगर कोई फॉर एग्जांपल फर्दर अगर कोई हैजर्डियस सिचुएशन में कोई फायर फाइटर्स को या जो भी उसके एड करने वाले हैं उनको आपने इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो वो किस तरह होगी। तो आप ये देखें ये मुख्तलिफ सिचुएशंस के थ्रू, एक सिनेरियो के थ्रू
नेविगेशन हो रही है ना, ये देखें एरोज के थ्रू, ये दिस इज नेविगेशन, दिस इज नेविगेशन, एरोज एरोज एरोज, ये पूरा सिनेरियो जो है वो नेविगेशन के थ्रू जो है वो आगे मूव ऑन कर रहा है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये देखें एक और तरीके से आपको स्टोरी बोर्ड समझाया गया, आइसक्रीम की वेबसाइट है जिसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको कहा था दूसरी टेक्निक है जी, आप विंडोज यूज कर सकते हैं, आप आइकॉन्स यूज कर सकते हैं, आप फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, आप लिस्ट यूज कर सकते हैं, आप बटन यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करें, मगर देखें सिनेरियोस बने हुए, देखें बॉक्सेस बॉक्सेस, ये हर एक बॉक्स जो है वो एक अलग सिचुएशन है. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि अभी देखें फर्स्ट में क्या है कि कस्टमर बनाया हुआ है स्माइली सा फेस, और उसने देखें यहाँ पे क्या है कि एक मेन्यू है कि जी आपने कौन सा जो है ना वो आइसक्रीम फ्लेवर लेना है, टूथपेस्ट फ्लेवर है, आउटमील फ्लेवर है, अल्लाह जाने शॉर्ट ब्रेड फ्लेवर्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे फ्लेवर्स हैं, आपने जो है ना कस्टमर ने क्या फ्लेवर चूज किया है. दूसरे में देखें आपको पूछ रहे आपसे आप पे कैसे करेंगे, लॉग इन करेंगे, कार्ड के थ्रू करेंगे, कस्टमर पे करता है, फिर उसके बाद क्या है कि ऑर्डर सामने आपके आ जाता है, डिस्पैचर जो है वो ऑर्डर को फुलफिल करता है, यानी कि डिस्पैचर मीन्स जिसने जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो है वो ऑर्डर आपका फुलफिल किया, डिस्पैच किया है, एंड देन आइसक्रीम इज डिलीवर्ड. तो देखिए वो क्या है, वो उन्होंने ना कितने अच्छे लाइट तरीके से पूरा जो बिजनेस प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस उसको उन्होंने क्या किया है, उसको जो है ना पूरा फ्लो बताया आपको थ्रू आउट. तो दिस इज द दिस इज वन अदर एग्जांपल ऑफ योर स्टोरी बोर्ड कि आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ये आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर कर रहा है कि ये थोड़ा सा जरा मैसी है, मगर वो मैंने आपको बताया था ना कि आप हाथ से बना लें, ड्रॉ कर लें किसी भी तरह. तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो कॉन्फ़िगरेशन है या सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बनाया हुआ है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइल नहीं खुल रही, कोई एरर आ गया है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपने किस तरह यूज करना है उसको यूज करने के लिए. देखें यहाँ पे भी उसने हाथ से जो है ना वो बनाए हुए डिफरेंट सिचुएशन, इस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स. तो मुख्तलिफ तरीके से आप जो है ना अपना जो है ना सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं. Now, one more important concept regarding storyboards, storyboards की होती हैं types. Maximum, कह लें famous जो हैं वो तीन types हैं storyboarding की, और ये आप मुख्तलिफ software engineering के मुख्तलिफ courses में इनको मुख्तलिफ angle से भी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ concepts के through पढ़ेंगे, मगर overall बात जो है वो fundamentally यही है कि तीन तरह की types होती हैं storyboard की, एक passive होती है, एक active होती है, और एक interactive होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में काफी सारे, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, पैसिव स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, आप जैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस अंग्रेजी में पढ़ते होते हैं ना, ठीक है, अब पैसिव स्टूडेंट्स हैं, बैठे हुए, मैं बोल रही हूं, वो पैसिव है, वो कोई आगे से रिस्पॉन्स कुछ नहीं, ठीक है, बस बैठे हुए, वो बस होना ही उनका जो है ना वो बस उनका होना ही होना. उसके बाद कुछ होते हैं एक्टिव स्टूडेंट्स, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आगे से, हाँ अच्छा बस मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं. एक होते हैं इंटरएक्टिव स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं कुछ कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ और वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग नहीं क्लास में, मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, आप मुझे रिप्लाई कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, फिर आप मजीद आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, फिर आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप दो एग्जाम्पल्स खुद सोच के मुझसे वेरीफाई करते हैं कि क्या मैडम ये बात ये इस तरह है जो हम सोच रहे हैं. That's a more interactive form of communication. इन्हीं को मैप करें इस पे स्टोरी बोर्डिंग पे. सबसे पहले पैसिव, ये जो पीछे थी ना सारी एग्जाम्पल देवर पैसिव, ये क्या थी, ये पिक्चर्स थी, स्केचेस थे, स्क्रीन शॉट्स थे, आप बेशक ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड है ना आप ये भी बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टोरी बोर्डिंग. ठीक है, आप जो है पेपर के ऊपर बना सकते हैं. मुझे याद है जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो इस स्टोरी बोर्ड का बकायदा एक आपका आर्टिफैक्ट होता था, बच्चे जो है वो चार्ट्स लेके पेपर्स लेके आप लोग जो है ना उसके ऊपर फ्लो चार्ट्स बना, सॉरी फ्लो चार्ट्स कह रही हूँ, फ्लो चार्ट में क्यों याद आ गया, जैसे वो मैम नोरीन के कोर्स में आपकी जब फिजिकल क्लासेस होती थी आप फ्लो चार्ट जमा कराते थे बड़े बड़े चार्ट्स के ऊपर. तो इस तरह स्टोरी बोर्ड्स बनाते थे बच्चे मजे मजे के, इमेजेस काट के, मार्कर्स, कलर पेपर्स एंड चार्ट पेपर्स खूबसूरत तरीन बना के ना, तो वो जमा कर, मगर वो क्या है कि वो उसमें कोई इंटरएक्टिविटी नहीं है, वो एक पैसिव चीज है, वो हाथ से बनी हुई है. ठीक है, ये होगी पैसिव की एग्जांपल. एक होते हैं आपके एक्टिव स्टोरी बोर्ड्स. ठीक है, अब एक्टिव स्टोरी बोर्ड्स में क्या बात है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना पावर पॉइंट की स्लाइड्स ही बनाएं, कि मतलब एक स्लाइड के ऊपर एक सिनेरियो, दूसरे स्लाइड के ऊपर दूसरा सिनेरियो, तीसरे स्लाइड के ऊपर तीसरा सिनेरियो, मगर आप क्या करें कि आपको पता है एनिमेशन लगा सकते हैं आप पावर पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल आपने एनिमेशन लगा दिए,
कि आप क्लिक करें तो ये स्लाइड खुल जाए, ये क्लिक करें तो ये वाली स्लाइड खुल जाए, तो क्या होगा, वो जैसे आप पीछे देख रहे थे ना कि इस सिचुएशन के बाद ये सिचुएशन आएगी, इस सिचुएशन के बाद ये सिचुएशन आएगी, तो आपने उस पैसिविस्ट, उसकी जो पैसिव नेचर थी ना जो पहले थी, उसको आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव क्या होती है चीज, जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल दी है कि मैं कुछ कह रही हूँ आगे से वो रिस्पॉन्स करें, मैं कह रही हूँ वो आगे से रिस्पॉन्स करें, तो ये क्या है, इसके अंदर मजीद थोड़ी सी स्मार्टनेस डाल दी जाती है कि आप ऐसी ऐसे तरीके से स्टोरी बोर्ड्स को आप डिजाइन करें कि आप कोई अगर क्लिक करें ना कहीं पे, तो पीछे कहीं पे ये सॉफ्टवेयर्स में बनते हैं ज्यादातर इस तरह की, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स में काम होता है कि जैसे अभी असल सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ, वो सिर्फ एक इल्यूजन प्रोवाइड किया आपने कि आपने किसी जगह पे क्लिक किया, वो आगे से पूछे हाँ जी आप ये चाहते हैं या ये चाहते हैं, यूजर क्लिक करे मैं ये चाहता हूँ, वो आगे से कहे अच्छा चलो ये काम अब इस तरह होगा, पीछे कोड नहीं हुआ हुआ कुछ, वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट की हुई है आपने कि ये काम जो है ना पीछे शायद सॉफ्टवेयर कर रहा है, मगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो एक इल्यूजन है जो आपने क्रिएट की हुई है। आगे मैं एग्जांपल भी आपको दिखाती हूँ। तो आपने बस एक जो है ना डमी फॉर्म्स बनाए, मैं पीछे से जो है ना एक हार्ड कोडेड किस्म का आपने जो है ना रिस्पॉन्स जनरेट किया हुआ है, मगर वो इल्यूजन ऐसे दे रहा है इस कस्टमर को कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लाइव डेमो जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है, इंटरैक्टिव आपने जो है ना प्रेजेंटेशन बना दी हुई है, तो ये एक रियलिस्टिक किस्म का जो है ना फील देता है आपके कस्टमर को कि जो है ना काम जो है ना जैसे ये असल सॉफ्टवेयर में हो रहा है, मगर वो असल सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो एक इल्यूजन होता है, वो एक वर्चुअल उसका कह लें कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि सॉफ्टवेयर ये जैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अब जो स्टोरी बोर्ड्स जो है वो रब जो है वो कहता है कि यूज केसेस को जो है वो स्टोरी बोर्ड के लिए आप एज अ बेंच मार्क जो है वो कंसिडर कर लें। अब ये यूज केसेस मैं क्यों बार बार इनका जिक्र करती हूँ, आपको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं माशाल्लाह और आपको अच्छी तरह, और आपने मुझे जैसे बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर यूज केसेस के जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो है वो पढ़ के आए हैं कि यूज केसेस के एक फॉर्मेट है उसको प्रेजेंट करने का तरीका है UML यूज केस डायग्राम, एक और फॉर्मेट है उसका दैट इज ब्रीफ फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट, और एक जो बहुत डिटेल फॉर्मेट है दैट इज फुली ड्रेस फॉर्मेट। तो ये आप सारे फॉर्मेट्स जो है पढ़ के आए हैं, तो यूज केस को कहते हैं कि एक बेंचमार्क बना के भी आप अपने स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज केस है ऐड कस्टमर, ठीक है, या रजिस्टर कस्टमर, तो इसके अंदर आपको पता है कि फुली ड्रेस फॉर्मेट अगर आप इसका लिखेंगे तो जो इसका मेन सक्सेस सिनेरियो है वो क्या होगा कि जो है ना वो वेबसाइट होगी, फिर उसके अंदर आप उसको कहेंगे कि आप अपने जो है ना एक अगर आप नया कस्टमर है साइन अप करेंगे उसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डालेगा, अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम है, CNIC है, फोन नंबर है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो प्रेस करेगा, फिर वो आपको कहेंगे कि हम वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल करेंगे, आप ईमेल पे वेरीफाई करेंगे तो वो आपको जो है ना वो वेबसाइट पे ले जाएगा और आपका एक सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपने देखे अब इसकी सिचुएशन, ये जो सिचुएशन थी, दिस वाज आल्सो ए सिचुएशन, एंड वन मोर थिंग, हम ये बात काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप देख चुके होंगे कि यूज केसेस आर बेसिकली अ सिचुएशन। यूज केस क्या है बेसिकली, यूज केस इज जस्ट अ सिचुएशन, यूज केस नाम से गौर करें ना आप, इस्तेमाल करने की सिचुएशन, तो आप जो है उस इस्तेमाल करने की सिचुएशन को आप उससे जो है वो स्टोरी बोर्ड्स बिल्ड कर सकते हैं कि आपने लॉजिकल कनेक्शन ही समझना है ना। तो क्या है कि स्टोरी बोर्डिंग इज ऑफन अ गुड वे टू गेट द यूजर्स टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट विल बिकम द स्टेप्स इन द यूज केस। तो क्या होगा कि आपको जो स्टोरी बोर्ड्स हैं वो आपको इस बात में भी हेल्प करेंगे कि यूज केसेस के जो स्टेप्स हैं वो क्या बनेंगे, तो दोनों एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप स्टोरी बोर्ड से यूज केसेस को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, स्टोरी बोर्ड से आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा एक्टर होगा, कौन सा एक्टर सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो देखिए आपको स्टोरी बोर्ड जो है वो यूज केसेस को डिस्क्राइब करने में, यूज केसेस का लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल फ्लो बनाने में भी आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर जो स्टोरी बोर्ड्स हैं वो ना सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट्स में बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तकरीबन हर एक पर्सपेक्टिव में आपको जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेज की हर एक स्टेज के ऊपर जो है ना आपको हेल्प कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स में तो आपको पता ही है कि आप जो है ना अंडरस्टैंड क्या करना चाह रहे हैं कि फ्लो ऑफ इवेंट्स, तो उसमें तो आपको ये हेल्प कर ही रहा है, ठीक है। प्लस ये यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स को भी हेल्प कर रहा होता है, वो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अगर आपके सामने एक स्टोरी बोर्ड मौजूद है तो अगर उस स्टोरी बोर्ड को देखते हुए अगर किसी यूजर इंटरफेस डिजाइनर ने, ये बात आपको अच्छी तरह पता है मुझे ये कॉन्सेप्ट
बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है आपने कि आप यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, ऐसा इंटरफेस जिसके साथ आपका यूजर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको वो स्क्रीन्स डिजाइन करने में भी, सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन्स होती हैं जिसके साथ यूजर कम्युनिकेट करेगा, उन स्क्रीन्स को भी डिजाइन करने में आज स्टोरी बोर्ड्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। देन आपने जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मैसेज पासिंग, और फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। आप लोग पढ़ के आए हैं, यूज केसेस पढ़ के आए हैं, आप लोग ऊप पढ़े हैं इस वक्त, तो आपने देखा होगा कि जब आपने कोई एक पूरी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को मैसेज पास कर रहे होते हैं, वो मैसेज पास करके एक पूरी सिचुएशन को जो है वो फ्लो को कंप्लीट करते हैं। तो क्या है वो सिचुएशन, आपको उनमें भी आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने जब बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स की कम्युनिकेशन करानी है तो वो भी आपको पता चलेगा, उनकी इंटरेक्शन आपको पता चलेगी, उनकी रियलाइजेशन आपको पता चलेगी, इवन आप टेस्टिंग में आपको हेल्प करेगा, क्यों, सिचुएशन आपके पास बनी हुई है। मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में भी कि टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग इज एक्चुअली क्या चाहिए था और क्या हो रहा है, इसके दरमियान का फर्क। अगर इनके दरमियान फर्क नहीं है तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है, और अगर इनके दरमियान फर्क है तो इसका क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर ठीक काम नहीं कर रहा। तो टेस्टर्स को भी जो हेल्प करेगा कि आपने जो है वो एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट की हुई है, और ये एक सिचुएशन ये बता रही है कि सॉफ्टवेयर जब बनेगा तो वो इस तरह से काम करेगा। अब जब सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, कोडर ने जब सॉफ्टवेयर लिख लिया तो अब असल हो गया काम, तो क्या होगा कि टेस्टर उस स्टोरी बोर्ड को देखते हुए, कोडर के असल काम को देखते हुए मैच कर सकता है कि क्या काम उसी तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया, और अगर वो काम कर रहा है उसी तरह से तो फिर इसका क्या मतलब है कि टेस्ट पास हो गया। देन आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द की फैक्टर्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको भी ये हेल्प करता है ताकि वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें, किस बंदे को किस तरह काम देना है, किस बंदे से किस तरह काम लेना है। ओवरऑल आपको जो है ना पूरे वर्क डिजाइन, पूरा एनालिसिस, उनको पूरे को जो है ना वो प्लान करने में, पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करने में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है ये जो स्टोरी बोर्ड्स की टेक्निक है ये आपको हेल्प आउट करती है। देखें आप कितने एडवांटेजेस हैं स्टोरी बोर्डिंग के। वंस अगेन, अब जो वॉक थ्रूज हैं, स्क्रिप्टेड वॉक थ्रू ऑफ अ सिस्टम एक्टिविटीज, ये आप जो है स्टोरी बोर्ड्स के थ्रू बताते हैं, ये हम काफी दफा बात कर चुके हैं। स्टोरी बोर्ड्स आपको ये भी बताता है, जैसे अभी मैंने बात की थी कि आपके सिस्टम के यूज केसेस बनाने में, कि आपके एक्टर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे वहां पीछे था ना जो आइसक्रीम वाली एग्जांपल थी, वहां पे एक्टर्स कौन है, आपका कस्टमर एक एक्टर है, डिस्पैचर एक एक्टर है, ठीक है, वो डिलीवरर एक एक्टर है, तो वो आप देखें उस स्टोरी बोर्ड से आपको ये जो है ना एक्टर्स भी पता चल रहे हैं, आपको सिनेरियोस पता चल रहे हैं जो लेटर आपके जो है ना वो क्या बन रहे हैं, यूज केसेस बन रहे हैं। मैं फिर आपको शुरू में भी बताया था कि स्टोरी बोर्ड्स को बनाने के मुख्तलिफ, रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग ये इमेज ऐसे बनाते हैं, कुछ एक्टिव बनाते हैं, कुछ इंटरएक्टिव बनाते हैं, कुछ लोग फॉर्म्स मेन्यूज वगैरह यूज करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम भी एक वन ऑफ द मैकेनिज्म है टू क्रिएट योर स्टोरी बोर्ड्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। एक्टिविटी डायग्राम आप बना चुके हैं, ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल आपने बिजनेस मॉडलिंग में जो आपने सीखा था उसी में वो मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी डायग्राम्स हमने देखी थी। तो अभी भी हम एक्टिविटी, और हमारा ये टॉपिक भी है बकायदा यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम, जो कुछ दो तीन वीक्स में हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें भी आप एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू भी अपने स्टोरी बोर्ड्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूज केसेस के थ्रू उसको जो है वो रियलाइज भी कर सकते हैं। और फिर आगे मैं दिखाती हूँ कि एक्टिविटी की पार्टीशन भी आप रिगार्डिंग एक्टर्स कर सकते हैं, कि एक एक्टिविटी डायग्राम को आप पार्टीशन कर लें मुख्तलिफ एक्टर्स के दरमियान में, और उसको क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं हम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक एग्जाम्पल है स्टोरी बोर्ड की यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम। यहां पे आप देखें कि एग्जाम्पल है किसकी, कि डीवीडी खरीदी जा रही है। अब ये देखें जरा, आप सबसे पहले मुख्तलिफ चीजें, कि वो जो पार्टीशन की बात कर रहा था ना यहां पीछे, के यूज एक्टिविटी पार्टीशन कॉरिस्पॉन्ड टू एक्टर्स, ठीक है। ये देखें ये ना क्या हुआ है, एक्टर्स को शो करने के लिए ना ये देखें लाइन्स खींची हुई है, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये तीन जो है ना लंबे लंबे डब्बे बने हुए। और पहला एक्टर कौन है, कस्टमर, दूसरा कौन है टेलर, तीसरा कौन है वीजा कार्ड, ठीक है, जो वीजा कार्ड का कह लें कि जो आपको पता ना ये भी एक्टर है, ये भी एक वेरीफाइड जो सर्विस होती है, जो वो एक डिवाइस ही होती है जिसमें आप जो है ना अपनी वो पेमेंट, जिसमें आपका कार्ड जाता है डेबिट और क्रेडिट वॉट एवर,
ये जो लाइंस है ना, ये जो एरियाज पार्टीशन हुए हैं, ये पहला 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 कॉल, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसको यूएमएल की एक्टिविटी डायग्राम में हम स्विम लेन्स कहते हैं. स्विम लेन्स, स्विम मीन्स तैराकी और लेन मीन लेन, ठीक है. स्पेल कर देती हूँ, स्विम लेन, SWIM, स्विम, LANE, लेन, स्विम लेन. अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिलेटेड है जो रियल स्विम लेन्स होती हैं ना. आपने कभी देखा हो कि स्विमिंग के जब कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं तो मुख्तलिफ स्विमर्स जो है ना, वो इस तरह मुख्तलिफ फासले फासले पे खड़े होते हैं और बीच बीच में उन्होंने रस्सियां बांधी होती हैं. हर स्विमर जो है वो अपने ही एरिया में कूदता है और उसी में जो है ना स्विम स्विम करता हुआ तो वो एंड तक जाता है, और वो रस्सियां साइड पे. अब आपका क्या ख्याल है वो रस्सियां क्यों बांधी होती हैं? उसकी वजह क्या होती है? वो पार्टीशन, एक वर्चुअल किस्म की उन्होंने पार्टीशन क्रिएट की होती है कि इस स्विमर की जो है वो ये पार्टीशन है उसने इस वाली में, क्यों? ताकि वो वाला स्विमर दूसरे वाली की पार्टीशन में ना चला जाए. वो क्या होता है कि क्या वो अंदर तक फिजिकल उन्होंने दीवारें खड़ी की होती हैं कि नहीं भाई ये दीवार है, तुमने ना इतनी जो है ना कुड़कुनी वाली दीवार में जो है ना तुमने जो है ना स्विमिंग करनी है. नहीं, वो क्या है, वो एक उन्होंने जो है ना एक वर्चुअल बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है यूजिंग दैट रोप. तो इसी तरह ये वर्चुअली इन्होंने जो है ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री होती है स्विम लेन. तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम जब हम इंशाल्लाह फॉर द सेक ऑफ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, मगर यहाँ पे भी क्लियर हो जाना चाहिए अब तक. तो अब यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें तो कस्टमर, अब यहाँ पे क्या किया हमने कि हाँ अब ये स्विम लेन क्यों क्रिएट किए हैं, जो एक्टिविटी जिस एक्टर के अगेंस्ट, जिस एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस एक्टर की टेरिटरी में आती है ना, वो वाली एक्टिविटी हमने वहां रखनी है. जैसे आप देखें कस्टमर की टेरिटरी में, कस्टमर ने काम शुरू हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ, ये जो गोला है स्टार्ट वाला काले वाला ये शो करता है कि काम शुरू हो गया. कस्टमर ने क्या किया, डीवीडी सिलेक्ट की, उसके बाद उसने हैंड ओवर की डीवीडी. अब ये हैंड ओवर किसको की, ये देखें, अब इसकी स्विम लेन से काम खत्म हो गए, टेलर के स्विम लेन में आ गए. टेलर कौन है, ये वो ऑपरेटर है या वो कह लें कि वो जो सेलमैन है जो कि उसको प्रोसेस करके दे रहा है, उसने वो सीरीज जो डीवीडीज जो है वो किसको दे दी है, उसको दे दी है. वो जो टेलर है उसने जो है वो उसको क्या एक अलर्ट किया है या एक नया प्रोसेस जो शुरू किया है वो क्या है कि रिंग अप परचेजेस, ठीक है. अब वो रिंग अप परचेजेस के ने मतलब कोई सॉफ्टवेयर था या जो भी चीज थी वो उसने कहा है पेमेंट करेंगे. चलें जी, पेमेंट किस तरह करेंगे, दो चॉइसेस है, कैश या कार्ड चॉइस, ठीक है. जैसे आपका वो नहीं होता था फ्लो चार्ट में भी गार्ड कंडीशंस लगी होती थी, हाँ जी, वो कहता है जी कैश. अब जब कैश हुआ तो देखें वो वापस कस्टमर के उस पर चला गई है चीज. कस्टमर ने क्या किया, पैसे हैंड ओवर किए. देखें अब हैंड ओवर किसको किए हैं, नीचे किसकी आ गई, टेलर की दोबारा आ गई एक्टिविटी. उसको उसने क्या किया, उसने चेंज अगर है तो चेंज दिया और उसको रसीद दी है और प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया. और अगर सिचुएशन दूसरी है कि अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट है तो जो टेलर है वो करता है स्वाइप कार्ड और उसके बाद सिचुएशन किस में चली गई है, उसी मशीन पे, कि वो मशीन जो है वो क्या करेगी, कार्ड को वैलिडेट करेगी. अब देखें यहां पे फिर सिचुएशन कि कार्ड एक्सेप्ट हो गया या कार्ड रिजेक्ट हो गया. अब अगर कार्ड हो गया रिजेक्ट तो क्या होगा, टेलर जो है वो क्या कर देगा, डिक्लाइन परचेज, वो उसको वहीं पे फिनिश कर देगा कि जी अब ये परचेज कंप्लीट नहीं हो सकती. और अगर कार्ड मशीन ने कर दिया एक्सेप्ट तो क्या हुआ, जो टेलर है उसने क्या उसको रसीद जो है वो अपने सिस्टम से जनरेट करके दे दिए और फिर उसके बाद कस्टमर को क्या कहा है कि उसके ऊपर आप साइन कर दें और उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया. ये हम डेली बेसिस पे जब हम अपने कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं और अपने डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है हम पेमेंट करते हैं, और आजकल मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, कैश के थ्रू कम ही हो रही होती है पेमेंट्स, तो यही वाला जो प्रोसीजर है वो ओवरऑल हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपने रियल लाइफ में. हम यही वाले सिनेरियोज जो है हम इनको डेली बेसिस पे हम इसको देख रहे होते हैं. अब वो जो मैं आपको कह रही थी इंटरएक्टिविटी या एक्टिविटी थोड़ी सी आप डाल सकते हैं किसी भी उसके अंदर, तो यहां पे देखें जहां पे अब वहां पे पीछे क्या था, वो बिल्कुल पैसिव था काम, यहां पे ये बिल्कुल पैसिव था, ठीक है. अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दो फॉर्म डाल दिए. फॉर एग्जांपल कि जैसे जब उसने पूछा है ना यहां पे ये वाली सिचुएशन कि पेमेंट कैश के थ्रू करेंगे या कार्ड के थ्रू, तो यहां पे क्या हो, ये एक फॉर्म खुल जाए, इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स सा खुल जाए कि कार्ड या कैश, मैं क्लिक करूं कार्ड को, डबल क्लिक करूं तो वो किधर चला जाए, वो इधर चला जाए, ऊपर चला जाए कार्ड, सॉरी नीचे चला जाए, यहां चला जाए कार्ड वाले उसमें, और अगर मैं कैश सिलेक्ट करूं तो इधर चला जाए, ठीक है. ये ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई हमने इंटरएक्टिविटी ऐड कर दी है. उसके बाद ये एक्सेप्टेंस में भी यूं ही
कि कार्ड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, नो यस ओके। तो आपने थोड़े से फॉर्म्स ऐड कर दिए, अब यूजर को ऐसे लग रहा है कि जैसे ना सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, मगर क्या है कि आपने सिर्फ डमी फॉर्म्स डाले हैं जो कि किसी सिचुएशन पे पीछे कोई हाइपरलिंक किया हुआ है आपने, तो वो उसको ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे कोई असल काम हो रहा है, मगर ये असल काम उस तरह नहीं हो रहा, सिर्फ उसको आपने इल्यूजन दी है कि इट्स वेरी इंटरैक्टिव सॉर्ट ऑफ जो है ना सिचुएशन। अब देखिए इसके फायदे, स्टोरी बोर्ड्स के फायदे, स्टोरी बोर्ड्स अब आपको खुद अंदाजा हो गया होगा और अब तक काफी डिस्कशन हमने इस पे की है और इस पे आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि स्टोरी बोर्ड के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये बड़ा एक फ्रेंडली वे है, बड़ा इजी वे है, और इससे क्या है कि कम्युनिकेशन आपकी जो है ना बड़ी इंप्रूव होती है और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो है ना वो क्या हो सकती हैं, इकट्ठी भी हो सकती हैं और रिफाइन भी हो सकती हैं और वेरीफाई भी हो सकती हैं। देन इसमें क्या है कि आपका ये क्रिएटिविटी जो है ना सोल्यूशन में, जो क्रिएटिविटी है, इनोवेटिविटी है, वो जो है ना बड़ी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकरेज कर सकते हैं आप इस चीज को कि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना सामने आ रही है। अगर मैं आप लोगों को बनाने को दूं तो आप तो बहुत क्रिएटिव हैं, आप तो इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो बना के लाएंगे और एक बंदे का डिजाइन दूसरे बंदे से कहीं हजार गुना जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो क्रिएटिव होगा। आप टीम्स को इनकरेज कर सकते हैं कि वो रिव्यू करें, क्योंकि वही बात है ना कि आपके सामने आप कुछ विजिबल है, कुछ टेंजिबल है, कुछ आपके सामने आपको चीजें नजर आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसको आप रिव्यू जो है ना वो आपको करने में आसानी होगी, चेक करने में, फीडबैक लेने में अपनी टीम से आसानी होगी। इसमें यह भी फायदा है आपको कि आप इसमें से वो चीजें, फीचर्स वो स्किप भी कर सकते हैं जो कि आपका स्टेक होल्डर नहीं चाहता, आपको अर्ली पता चल जाएगा अच्छा ये चीजें मैंने निकालनी है, ठीक है। और फिर क्या है, आप ये भी इश्योर कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो एक इजी तरीके से या एक्सेसिबल तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किन को आप नहीं कर सकते। आपको जो है ये इंटरव्यू के प्रोसेस में भी आपको हेल्प आउट करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर अपने स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं तो ड्यूरिंग इंटरव्यूज, इवन ड्यूरिंग वर्कशॉप जो है, आप इन चीजों को सामने रख के आप जो है ना अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, फीडबैक इम्प्रूव कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। एंड ये ब्लैंक पेज सिंड्रोम को मैं पॉइंट आपको बाद में बताती हूँ, लास्ट वाला पहले डिस्कस करते हैं कि स्टोरी बोर्ड्स बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती हैं, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की हमने देखी हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ जाविये से आप बना सकते हैं। अब ये जो ब्लैक पेज सिंड्रोम है ना, ये पता है क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, कभी आपने देखा हो ना कि जब ये अक्सर पोइट्स कुछ लिख रहे होते हैं या राइटर्स कुछ लिखने की कोशिश, कुछ क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो क्या होता है पहला लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, आपको भी पता नहीं होता आपके दिमाग में आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ बनाते हैं फिर उठाते हैं और आप उसको फेंक देते हैं, फिर पेपर नया उठाते हैं, फिर कुछ लिखते हैं कुछ समझ, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, फिर उठाते हैं उसको फेंकते हैं, काफी सारे फेंकने के बाद आपको पता चलता है हाँ ये चीज है जो मैं बनाना चाह रहा हूं। तो ये ब्लैंक पेज सिंड्रोम है ना कि आपको इनिशियल पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, आपने सॉफ्टवेयर का पता ही कोई नहीं है कि फाइनल आपने क्या चीज बिल्ड करनी है, उस वाले सिंड्रोम को ब्रेक करने के लिए ये जो स्टोरी बोर्डिंग की टेक्निक है ना कि काम स्टार्ट करो, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ योर वर्क, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, दिस स्टोरी बोर्डिंग टेक्निक इज अ वेरी 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 इफेक्टिव एंड पावरफुल टेक्निक फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फॉर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। नाउ डिसएडवांटेजेस, जैसे आपको पता है कि हर एक चीज का फायदा भी है और हर एक चीज के डाउनसाइड्स भी हैं, तो स्टोरी बोर्ड का जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इसकी एक फॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। ये बड़ी इजी, जहां कोई चीज बहुत इजी होती है ना वहां पे उसकी फॉर्मेलिटी को लेके थोड़े से क्वेश्चन मार्क होते हैं कि वो फॉर्मल नहीं है। स्टोरी बोर्डिंग में लैक द इंटरेक्टिव क्वालिटी ऑफ प्रोटोटाइपिंग मेथड्स, ठीक है। आपने जैसे प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हो जो कि थोड़ी ज्यादा फॉर्मल चीज होती है, कहीं ना कहीं वो मिलती जुलती है इससे, स्टोरी बोर्डिंग से भी, मगर प्रोटोटाइप्स थोड़े ज्यादा फॉर्मल होते हैं एज कम्पेयर टू स्टोरी बोर्ड्स। तो जो प्रोटोटाइप के अंदर जितनी इंटरेक्टिव क्वालिटीज होती है ना स्टोरी बोर्ड में उतनी नहीं होती, ठीक है। आप जरा देखिएगा इंटरनेट पे कि प्रोटोटाइपिंग वर्सेस स्टोरी बोर्ड दोनों में क्या फर्क है, तो प्रोटोटाइप ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू स्टोरी बोर्ड्स, और ज्यादातर फिर लोग स्टोरी बोर्ड्स के बजाय प्रोटोटाइप्स ही बनाते हैं, कि बजाय हम ये इमेजेस पेपर पे चीजें बनाएं तो हम क्यों ना प्रोटोटाइप्स ही डिजाइन कर लें जो इंटरेक्टिव हों और फिर उनको मजीद हम जो है ना पॉलिश करके असल सिस्टम बना सकें। हमने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हो, कुछ होती है थ्रू अवे प्रोटोटाइप्स, कुछ होते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्रोटोटाइप्स की भी। बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी स्टोरी बोर्ड्स डू नॉट सपोर्ट द एवेल्युएशन ऑफ फाइन डिजाइन डिटेल्स। अब ये बहुत सिंपल होते हैं तो क्या है कि जो डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना अक्सर हम उनको इवेल्युएट नहीं कर पाते। जो डिजाइन होता है ना, जो हाई लेवल या लो लेवल डिजाइन होता है किसी सॉफ्टवेयर का, आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स के बाद डिजाइन की स्टेज आनी होती है,
तो उसकी अक्सर जो क्या नहीं कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करने में ना जो स्टोरी बोर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम करता है. इतनी वो इफेक्टिव तरीके से आप उसको नहीं उससे इवेलुएट करा सकते. और स्टोरी बोर्ड जो है ना, वो सिस्टम का अक्सर जो एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है ना, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी जो है ना वो एक्यूरेटली कन्वे नहीं करता. मतलब जिस तरह सिस्टम को रिस्पॉन्स कर रहा होगा सिस्टम, उसको इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं बताता, बिकॉज इट्स ए वेरी सिंपल एंड वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ क्लैरिफिकेशन. सो दैट वॉज ऑल स्टोरी बोर्डिंग. अच्छा जी, अब जो आगे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड, वो अब डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अभी लेक्चर के शुरू में भी मैंने आपसे बात की, इसका जिक्र किया कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जो अहमियत है उससे तो इनकार मुमकिन है ही नहीं. ठीक है, और ये बात आप ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर भी चुके हैं, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ के आए होंगे कि रिक्वायरमेंट्स या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो डॉक्यूमेंट ज़रूर होता है. ठीक है, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो कोड है, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे कोई भी किसी किस्म की भी जो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं, वो उनके उनसे रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होती है सॉफ्टवेयर में. तो अब ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम सिर्फ इस वक्त हम ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे अपने कोर्स में, तो रिक्वायरमेंट्स जैसे बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हर स्टेज डॉक्यूमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट्स भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक स्टेज है, तो वो भी डॉक्यूमेंट होंगी. दैट इज अंडरस्टूड. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायरमेंट्स में होती हैं और ये क्या होती हैं. कि एक वही बात है कि रिक्वायरमेंट्स या अगर डॉक्यूमेंटेशन या सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी टिपिकल सिस्टम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, डेवलपर होते हैं, यूजर होते हैं, टेस्टर होता है, एनालिस्ट होता है, आर्किटेक्ट होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. अब अगर इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो आपको पता है जब तक कि आप फिर उन सब से कोई बात करके एक रिटन एग्रीमेंट सारी पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, तो आपके सिस्टम के अंदर कन्फ्यूजन्स के चांसेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और जब कन्फ्यूजन्स आएंगी तो फिर सिस्टम ने फेल होना ही होना है. तो हमने इस चीज को जो है अवॉइड करना है. अब क्या है कि जो अब मसला क्या है कि आप तमाम जितने भी आपके मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब की नीड्स को जो है ना वो एक ही वक्त में आप ना एड्रेस नहीं कर सकते. आपको पता है सॉफ्टवेयर रिलीज बाय रिलीज जो है ना वो आप उस पर काम करते हैं, वर्जन बाय वर्जन काम करते हैं. तो अब आपको वर्जन्स का भी ख्याल रखना है और आपने सबकी नीड्स को भी पूरा करना है, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत से जो है वो इनहराफ किया ही नहीं जा सकता. अब आपको पता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, वो हमें अच्छी तरह पता है कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर ये बिल्ट इन प्रॉब्लम है कि जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कम्युनिकेशन के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं. कुछ लोगों को कोई बात किसी तरह समझ आती है, कुछ लोग कोई बात किस तरह करते हैं. तो फिर क्या है कि हमें ये जो एफर्ट ड्रिवन एक हमारे पास जो एक्टिविटी है ना, कि ये डॉक्यूमेंटेशन ये मस्ट हो जाती है कि हमने रिटन डॉक्यूमेंट करना है, ताकि तमाम मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे क्या हो, एक ही प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे एक ही किसी एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो इत्तफाक करें. अब डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन द प्रोडक्ट टू बिल्ड आर टिपिकली कॉल्ड अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगी ना, आपने बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को, कि अब ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं ना, जो आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर सिस्टम और एप्लीकेशन डिस्क्राइब्स द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. कि ये जो अब SRS है, ये क्या शो कर रही होती है, कि वो जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो जो टू बी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, या जो एक एप्लीकेशन आप बिल्ड करने जा रहे हैं, उसका जो एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर जो है वो या सिस्टम जो है वो एक्सटर्नली कैसे बिहेव करेगा, यूजर के साथ उसका कैसा जो है ना वो अमल दखल या उसका कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो सब चीज को जो है ना वो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब यहां पे होल्ड कीजिएगा और ये बात बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं अब आपको बताने लगी हूं रिगार्डिंग SRS, इसको मैं स्टार स्टार करके बोल्ड करके अंडरलाइन कर रही हूं इस बात को, कि एक चीज है SRS. SRS स्टैंड्स फॉर, एस मीन सॉफ्टवेयर, आर फॉर रिक्वायरमेंट्स, एंड एस फॉर स्पेसिफिकेशंस. इसका जो जिक्र है वो फिर मैं हमेशा रिलेट करते हैं इसको द कोर्स विद द कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि आप पढ़ के आए हैं, उसमें भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि SRS जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज होता है. अब जो बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो क्या है कि डॉक्यूमेंट अगर यूज हो रहा है आपका, तो
ये डॉक्यूमेंट किस किस्म का होगा, ठीक है, किस किस्म का डॉक्यूमेंट होगा ये। अब जब लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अपना जो है ना उनका तरीका होता है SRS को बिल्ड करने का। आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप कभी, आपको किसी तरह की SRS नजर आए तो आपके हैं, हमने तो ये पढ़ी नहीं थी, ये पता नहीं कौन सी SRS आ गई, हमने गलत पढ़ लिया था, आपके दिमाग में ये चीज ना आए। तो सबसे पहले जो बात अपने दिमाग में रखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन का SRS का एक अपना तरीकेकार होता है, मगर होती वो SRS ही है, ठीक है, मकसद उसका एक ही होता है। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं। अब जो एक तरीका है, तरीका नंबर वन, अब इसको देखिएगा, तरीका नंबर वन, इसको अंडरलाइन कर लें, तरीका नंबर वन हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या है कि ये जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं ना, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको मेरे ख्याल है क्लास में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक चीज है हमारी एक्टिविटीज और एक चीज है हमारा आर्टिफैक्ट। एक्टिविटीज या वर्कशॉप हम एक केस स्टडी पे बना रहे हैं, डेट इज कैफेटेरिया मैनेजमेंट सिस्टम, और आर्टिफैक्ट्स आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे बनाएंगे जिसके आप लोगों ने मुझे प्रपोजल सबमिट किए हैं। अब मैं आर्टिफैक्ट की बात कर रही हूं, यानी कि प्रोजेक्ट की बात कर रही हूं, तो बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो हम आर्टिफैक्ट बाय आर्टिफैक्ट बनाते चले जा रहे हैं ना, जिसके ऊपर मैं आपको फीडबैक देती हूँ, आप इंप्रूव करते हैं, और मैंने आपको क्या कहा है कि उनके ऊपर मैं आपको भी मार्क्स नहीं दे रही, उसके ऊपर सिर्फ आपको मैं फीडबैक दे रही हूं। वो जो फीडबैक के बाद आप उसको अपडेट कर रहे हैं और एक एक आर्टिफैक्ट बनता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के आपने मुझे 7 आर्टिफैक्ट जमा कराने हैं जिसके अंदर सॉरी जिसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं, प्रपोजल है, बिजनेस मॉडलिंग है, अभी आप एक जमा कराएंगे, विजन डॉक्यूमेंट है, देन आपकी फॉर एग्जाम्पल यूज केसेस हैं, फुली ड्रेस फॉर्मेट है, ग्लोसरी है, फीचर्स हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो लेट्स सपोज ये 7 आर्टिफैक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। अब आप क्या होगा, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर इसकी एक, इन सारों की ना मैं आपको एक टैंपलेट दूंगी, ये सारे जब आप अपडेट 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 कर लेंगे ना मुख्तलिफ फीडबैक्स के बाद, वो सारे आप आर्टिफैक्ट्स एक रिपोर्ट के अंदर डालेंगे, यानी कि उसकी एक प्रॉपर एक रिपोर्ट होगी, ठीक है, उसका एक प्रॉपर टाइटल होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे, स्टार्ट में जैसे बुक्स के नहीं आता डिक्लेरेशन डेडिकेशन वो चीज़ होगी, उसके अंदर वो जितने आर्टिफैक्ट्स हैं वो 7 के 7 आर्टिफैक्ट्स एक सीक्वेंस में वो जो हैं लगेंगे, उसके बाद एट द एंड एक कंक्लूजन आएगा, एक लेसन लर्न आएगा, एक रेफरेंसेस आएंगे, और उसके बाद वो रिपोर्ट एक जामे आप समझे एक बुक टाइप तैयार हो जाएगी, बुकलेट टाइप तैयार हो जाएगी, जिसके सारे वो आर्टिफैक्ट्स जिसके अंदर वो लगे होंगे। अब वो जो एक बुक तैयार हो जाएगी, वही बात है कि जब फिजिकल होता था बच्चे बाइंड करा के लाते थे, वो रिपोर्ट बाइंड करा के लाते थे, अब डेफिनेटली फिजिकल क्लास तो नहीं है, तो क्या है कि वो आप रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी में ही अपलोड करेंगे। तो वो जो रिपोर्ट है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के चैप्टर्स लगे हुए, आप ये समझें, ये जो आपने एक बुक तैयार की है ना जिसके अंदर ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर मैं इनको चैप्टर कहूँ और ये जो रिपोर्ट है इसको मैं एक जामिया किताब कहूँ, तो ये जो जामिया किताब है ये इसके अंदर 7 आर्टिफैक्ट लगे हुए और ये सारे रिक्वायरमेंट्स के ही चैप्टर्स हैं। तो ये जो पूरी आपने बनाई है ना, ये जो बुक बनाई है या जो पूरी रिपोर्ट बनाई है, इसको भी SRS कहते हैं, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ नौइयत के। तो ये जो पूरी एक जामिया रिपोर्ट है इसको भी SRS कहते हैं, ये भी SRS है, तरीका है इसका बनाने का। दूसरा तरीका, हम रब का जिक्र करते हैं। अभी आपको जो विजन डॉक्यूमेंट आपका जो नेक्स्ट आर्टिफैक्ट जो आपने इस कमिंग वीक में मुझे सबमिट करना है, एक्टिविटी भी सबमिट करनी है, खैर एक्टिविटी एक दूसरी चीज़ है, वो मैं आपको खैर उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अलग से अपलोड करूंगी कि आपका टास्क जो है वो बाद में देख लीजिएगा इस रिकॉर्डिंग के बाद, कि आपने जो है जो विजन डॉक्यूमेंट आप जमा कराना है, आपको टैम्पलेट्स का आइडिया अच्छी तरह हो गया, स्टैंडर्ड्स का आइडिया आपको अच्छी तरह हो गया कि IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं, रब के स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको फॉलो करते हुए एक चीज जो है वो जमा कराते हैं। तो आपने जो है वो टैम्पलेट, आपको मैं रब का एक टैम्पलेट दूंगी जिसको आपने फिल करना है अपने तरीके से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, और मुझे सबमिट करना है। तो रब का एक टैम्पलेट है जो कि एक ही टैम्पलेट है, एक ही पूरा वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें फिट इन करते हैं, और वो आपका जो है ना वो क्या कहता है, रब क्या कहता है, ये SRS है।
अब उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स नहीं लगे हुए, वो एक ही पूरा डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर आप यूज केसेस बनाते हैं, उसमें आप डायग्राम भी डालते हैं, उसमें अंदर फीचर भी डालते हैं, सॉफ्टवेयर कमेंट्स भी डालते हैं, मतलब अलग अलग नहीं करते, वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप डालते हैं और कहते हैं जी ये भी ऐसा ऐसा। तो ये मैक्सिमम दो कैटेगरीज हैं जो मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में देखी हैं, जहां मैंने भी काम किया था और जो मैं देखती भी हूँ। तो जहां भी आप जाएंगे ना, आपको एक नया पैटर्न SRS का नजर आएगा, मगर होता क्या मकसद है वो बस आपको पता होना चाहिए कि SRS का एक्चुअल में पर्पज क्या है। बेसिकली यू नीड टू नो दैट, और आई गेस ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक की डिस्कशन के मुताबिक। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन हम क्यों करें। दिमाग है ना, इंसानी दिमाग है, क्या करें, इंसानी दिमाग ने सोचना है और सोचना है, सोचेगा तो आगे बढ़ेगा। जितना इंसान सोचता है उतना दिमाग इंसान का जो है ना वो बढ़ता है और एक्सेल करता है और इंसान आगे तरक्की करता है। अच्छी बात है, आनी चाहिए सोचें। तो पहली जो सोच दिमाग में आती है कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन जो करवा रहे हैं, और जो भी हम पीछे स्टेजेस पे हमने बात की थी कि हमें हर स्टेज पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हर स्टेज पे चीजों को टेंजिबल शक्ल देने के लिए, डिस्कशनेबल शक्ल देने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करने पड़ते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो भाई क्यों करें, क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर वही बात है, मैं रिलेट करूंगी इसको, आप एक रीडिंग, एक फेमस रीडिंग है FP ब्रूक्स की, देयर इज नो सिल्वर बुलेट, आप पढ़ के आए होंगे। आपने उसमें यह भी पढ़ा होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इनविजिबल है, आपको जो उसकी प्रोग्रेस है वो एकदम से नजर नहीं आती। सॉफ्टवेयर की नेचर कॉम्प्लेक्स है, चीजें जो है ना फौरन चेंज होती हैं, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी में जूं जूं उसमें फिर फीचर्स ऐड होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कम नहीं होती। वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऐड इन मल्टीप्लाई होती ही चली जाती है। तो अब अगर सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स है, तो फिर वही बात है कि उस कॉम्प्लेक्स नेचर को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो बोनस का इश्तेहार नहीं आता, कुछ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट्स की नेचर ऐसी है कि किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ जी आपने यूज केस डायग्राम बना लिया ना तो बस रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो गई हैं, चलो आपकी जिंदगी आसान। नहीं, आप कहते हैं नहीं विजन डॉक्यूमेंट लिख दिया ना तो बस रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो गई हैं। नहीं, दैट इज नॉट इनफ। उसका अपना एक मूड है, विजन डॉक्यूमेंट का एक अपना मकसद है, वो मैं बताऊंगी आपको क्या। देन आप कहते हैं कि नहीं हमने बिजनेस मॉडल बना दिया तो बस काफी है। नहीं, उसका तो मकसद ही डिफरेंट है कि उसमें तो आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो है ना स्टडी करना है, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो अब हर एक सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ जावियों से देखना है हमने, तो वो जो डिफरेंट जाविये हैं ना वो इस चीज पे आपको फोर्स करते हैं कि आप उन हर एक जाविये से रिलेटेड ना एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, ठीक है। जाविये मैं आपको बता रही थी ना, जब आप कोई ड्रेस खरीदने जाते हैं तो आप अपने आपको मुख्तलिफ जावियों से देख रहे होते हैं, कभी सीधे होके, कभी उल्टे होके, कभी सामने होके, कभी पीछे होके। तो सॉफ्टवेयर की भी जो है वो मुख्तलिफ जाविये हैं, और उनके मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के मुख्तलिफ जाविये हैं। तो उसको हर एक एंगल में देखने के लिए आपको मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करनी पड़ेगी। जब मैंने बिजनेस मॉडलिंग पढ़ाया था, वो जाविये पढ़ाए थे ना आपको, याद है, व्यूज, बिहेवियरल व्यू, स्ट्रक्चरल व्यू, फंक्शनल व्यू। तो यही देखें, यही आपके रिक्वायरमेंट्स के भी मुख्तलिफ जाविये हैं कि, और आपको फिर करना है कोई एक मोनोलिथिक डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहें कि हाँ बस मैंने ये बना लिया ना, ये वाला आर्टिफैक्ट तो एनफ है, बस अब रिक्वायरमेंट सारी क्लियर। नहीं, यू नीड टू वर्क हार्ड। वही बात है, आगे बात आगे कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो अगर जब चीज कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको मुख्तलिफ काम करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कस्टमर्स नीड आर बीइंग डॉक्यूमेंटेड प्रायर टू डॉक्यूमेंटेड डिटेल रिक्वायरमेंट्स। अब क्या है मकसद हमारा, कि सबसे पहले तो कस्टमर की नीड को आपने डॉक्यूमेंट करना है सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन से पहले। पहले तो ये देखें कि कस्टमर आपका जो है वो क्या चाह रहा है। याद है आपको, हमने जब पढ़ा था कि देयर इज अ नीड, देन देयर आर फीचर्स, देन देयर आर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, इज अ कनेक्शन, वो जो हमने ट्राइंगल पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको जो है ना इसका पता होना बहुत जरूरी है, उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। देन सिस्टम में भी मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट, मेड इज अ चांस कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हैं इसको थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें, मैं जब आपको फैमिली प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पढ़ाती हूँ फिर आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेड इज अ चांस कि जो सिस्टम आने वाला है वो ऑलरेडी एक जो प्रोडक्ट्स की फैमिली है उसका एक मेंबर बनेगा, ठीक है। कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो अनाउंस करता है कि हम अभी तक तो हमने काफी ये वर्ड बनाया, पावर पॉइंट मुख्तलिफ उसमें बनाया, हम एक और जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना एक और उसके फैमिली का हम जो है ना एक चीज बना रहे हैं। जैसे आपको पता होगा विजियो है, प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, तो मुख्तलिफ उसके अंदर ना और चीजें हम एक और तो क्या है कि नया जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो बिलोंग तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही करेगा, उसी की फैमिली से करेगा ना, ठीक है। हो सकता है मेंबर हो वो किसी एक अलग कैटेगरी से ना वो बिलोंग करता हो। सिस्टम बीइंग कंस्ट्रक्टेड सैटिस्फाइज ओनली अ सबसेट ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो क्या है कि सिस्टम जो है ना
वो एक पार्ट है एक बड़े सिस्टम का, मे दिस अ चांस। तो फिर क्या है कि आपको उनकी सारों की जो है ना वो आपको डायमेंशंस जो है वो देखनी है। और फिर उसके बाद क्या है कि मार्केटिंग के रिलेटेड किसी सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग अगर आपने करनी है तो उसकी अपनी जो है ना वो कुछ गोल्स हैं, उसकी अपनी डायनेमिक्स हैं, उसकी अपनी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस वाइज आप जो है ना वो सारी डायमेंशन देखते हुए मार्केटिंग की अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस कॉम्प्लेक्स थिंग, मुख्तलिफ जाविये हैं और मुख्तलिफ जावियों को लेके आपको मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी ही करनी है। अब जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं इतनी बात कर रही हूँ कि इतनी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो अब वही बात कि अब कौन कौन से हैं। ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको मैंने, ये तो कुछ मैं कहती हूँ कुछ का भी के भी नहीं है, ये तो बहुत कुछ थोड़े हैं आपका। मेरा बस चल रहा है मैं सारा कुछ ही आपको कराऊं, बट मसला ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, और ना ही वो एक सेमेस्टर में पॉसिबल है कि इतनी सारी हम काम कर सकें, बट बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो एक तो वही बात हो गई एस आर एस, ठीक है, वो आपको पता है कि इट्स वॉट एस आर एस स्टैंड फॉर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिफाइंस रिक्वायरमेंट्स एंड ओवरऑल सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल प्रोसीजर सब कुछ बताता है। विजन डॉक्यूमेंट जो आपने अभी बनाना है, और विजन डॉक्यूमेंट क्या बताता है, फीचर्स, ठीक है। अब जब मैं फीचर्स की बात करूं तो ये बात आप अच्छी तरह समझ जाइए कि मैं किसकी बात करें, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो जब हमने फीचर्स लेवल पे डिस्कशन करनी हो ना, नीड और फीचर लेवल पे, नॉट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट बनता है ना उसको हम कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट, और यही आपका नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है। विजन डॉक्यूमेंट किस पे फोकस करता है, नीड पे और फीचर्स पे। वो जो ट्राइंगल था ना, याद है आपको, उसके तीन पार्ट्स थे, नीड, फीचर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो विजन का डॉक्यूमेंट है वो टॉप के टू मंजिलों पे काम करता है, सॉफ्टवेयर की नीड एंड सॉफ्टवेयर के फीचर्स। प्रोडक्ट फैमिली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अब क्या है ये फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, कि जो आपके अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो एक फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर आपको उस फैमिली का जो है ना विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, फैमिली का जो है ना आपको एस आर एस डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए स्टारिक लगा लें, होल्ड कर लें, बोर्ड पे लिख दें, स्टिक, वो क्या उसे कहते हैं, स्टिकी नोट के साथ कहीं साइड पे लगा दें। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस आप इसको करके देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज़्यादा इसमें ना क्लैरिटी आ जाएगी। एक वही बात है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या मार्केटिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये नहीं बनवा रही मैं आपसे, ये वाला कौन सा डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में, कि जिसमें आपने जो सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो व्हाट्स एंड वाइज है ना, वो सारे के सारे इस वाले डॉक्यूमेंट में आप डालते हैं, उसमें सारी उसकी जो है ना बर्ड्स इफ्स व्हाट्स वगैरह सारे उसमें शामिल होते हैं, ये हम नहीं बनाएंगे। ये अगर आपने इस पे पढ़ना है तो आप बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम टू एक्सप्लोर इट ऑन द इंटरनेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एस आर एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके ऊपर हम काफी देर से बात कर रहे हैं और काफी ज्यादा कर चुके हैं, और काफी हमने वराइटीज भी इसकी डिस्कस की हैं, उसको भी मजीद देखते हैं कि एस आर एस डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स इन स्पेसिफिक टर्म्स बट फॉर जस्ट द सॉफ्टवेयर पीस, अंडरस्टूड, डिफाइंस एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम बींग बिल्ड, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिफाइंस रिक्वायरमेंट्स फॉर जस्ट वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड फॉर वन स्पेसिफिक रिलीज और द स्पेसिफिक रिलीज ऑफ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन विद इन द फैमिली। स्पेसिफिक 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 की बात हो रही है, कि आपको पता है सॉफ्टवेयर वर्जन बाय वर्जन आगे चलता है, तो जिस भी वर्जन की आप बात कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर की, उसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अलग बनेगा वर्जन। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मुझे जमा कराएंगे अभी विजन डॉक्यूमेंट, वो उसका वर्जन 1 होगा, 1.0, उसको मैं चेक करूंगी, उसके ऊपर मैं आपको फीडबैक दूंगी, आपको पता चलेंगी अपनी गलतियां, आप उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। वो जो नेक्स्ट वर्जन आप जमा कराएंगे वो क्या होगा, वर्जन 2.0, आप वो अब जमा कराएंगे, फिर मैं उसके ऊपर आपको कोई फीडबैक दूंगी, आप फिर आपको पता चलेगा गलतियां गलतियां, आप फिर उसका वर्जन 3 जमा कराएंगे। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट आती चली जाती है आपके ओवरऑल काम में। अब आपको पता है हमने ये विजन में, सॉरी विजन कह रही हूँ, हमने जब फीचर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और हमने उसका कनेक्शन पढ़ा था, तो आपको याद होगा मैंने आपको इसी तरीके से बताया था कि एक चीज़ होती है बहुत जेनेरिक, उसके बाद उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, मजीद डिटेल समझते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर मजीद समझते हैं। तो आप यही समझें कि अभी आप देखें कि सबसे ऊपर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपने मजीद सब सिस्टम में, फीचर्स में डिवाइड किया है या सब सिस्टम्स में डिवाइड किया है, फिर वो एक एक सब सिस्टम को उठाया, फिर उसको मजीद आपने क्लेरिफाई किया है। तो इस तरह से आप ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को समझना चाह रहे हैं। अब जो बात आ रही है ना फैमिली डॉक्यूमेंट, वो जो पीछे फैमिली 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 की बात हो रही थी ना, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ
उसके बाद आपके लिए ना जिंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी, शदीद आसान, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट फैमिली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अब एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप सारों को पता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो उसकी फैमिली का पार्ट है, ठीक है। जैसे आप लोगों की फैमिली का एक नाम होता है ना, शेख्स फैमिली, मलिक्स फैमिली, हयात्स फैमिली, कुछ भी, ठीक है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट फैमिली, ठीक है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट फैमिली है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अब कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेल है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस उसके अंदर मौजूद हैं जो उस फैमिली का पार्ट है। आई गेस यहां तक आपको बात समझ आ गई है। अब आगे सुनिए। अब अगर आपने इसका विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो या इसका एसआरएस क्रिएट करना हो, ठीक है, तो एक बात आप आपको बिल्कुल अंदाज के अगर आप देखें तो कुछ सेट ऑफ फीचर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में मौजूद उस फैमिली से बिलोंग करने वाले हर एप्लीकेशन मेंबर के अंदर जो है वो फीचर्स कॉमन है। यानी कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट को एक फैमिली कहूँ, प्रोडक्ट फैमिली कहूँ, तो उसके अंदर जो मौजूद है पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, इनको मैं क्या कहूंगी? उस माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट फैमिली की मेंबर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये जितनी भी मेंबर एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि कॉमन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ कि अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड के अंदर, अगर आप देखें जो मेन्यू की पोजीशन है, जो टॉप पे बैंड आता है उसका, जिसके अंदर फाइल है, व्यू है, एडिट है, ये सारे जो मेन्यूज आते हैं उसके अंदर, उनकी प्लेसमेंट, वो मेन्यूज, वो फुटर, वो मैक्सिमम चीजें वो ही उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी हैं। उसी तरह से वो चीजें कॉमन है एक्सेल के अंदर भी हैं, एक्सेस के अंदर भी हैं, और सेम लोकेशन पे हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को कि बहुत सारी ऐसी सेट ऑफ फीचर्स हैं जो कॉमन है इन मेंबर एप्लीकेशंस के बीच में जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मगर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इन मेंबर एप्लीकेशंस के अलग से भी हैं। जैसे आपको पता है कि अलग हैं तो वो जो हैं वो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं ना। जैसे आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, इनहेरिटेंस आपने पढ़ी है पूप में, कि कुछ ऐसे जेनरिक सेट ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक मोर जेनरिक क्लास में होते हैं, बाकी जो उनके चाइल्ड केसेस होते हैं उनके अंदर अपने अपने जेनरिक, सॉरी, अपने अपने स्पेसिफिक बिहेवियर्स भी होते हैं। तो इसी तरह अगर वर्ड को देखें आप, तो उसके अंदर उसके अपने कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ उसमें है, वर्ड में है, पावर पॉइंट में नहीं है। पावर पॉइंट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक्सेल में नहीं है, एक्सेल के अपने डेडिकेटेड फीचर्स हैं जो पावर पॉइंट में नहीं है। तो वो इसी वजह से तो वो अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि उनके अपने अपने भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो उनके अपने फीचर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जेनरिक हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेरिक फीचर्स या जेनेरिक जो बिहेवियर्स होते हैं ना, उनका जब एसआरएस बनता है तो उसको आप क्या कहते हैं? फैमिली एसआरएस। और जब पर्टिकुलर एसआरएस बनाते हैं हर एक का, मेंबर एप्लीकेशन का, या जो उसका मोर चाइल्ड केस होता है उसका, वो उसकी अपनी जो है ना एक एसआरएस होती है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचें कि अब चाहे विजन डॉक्यूमेंट हो या एसआरएस हो, फैमिली का जब बनेगा तो उसके अंदर वो सारे फीचर शामिल होंगे जो जेनेरिक होंगे सारे मेंबर एप्लीकेशंस में, ठीक है। और जो प्रोडक्ट फैमिली के मेंबर एप्लीकेशन का जो एसआरएस विजन बनेगा, वो उसके अंदर वो वाले फीचर्स और वो वाली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट शामिल होंगी जो कि उनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। आई गेस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी बताया हुआ है इस पहली स्लाइड में, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिएगा। इसी तरह अगर उसका आपने यूज केस मॉडल भी बनाना है तब भी ऐसे ही होगा, विजन डॉक्यूमेंट बनाना है तब भी ऐसे ही होगा, फैमिली का जेनेरिक और उसके बाद हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, प्रोडक्ट फैमिली विजन डॉक्यूमेंट बना जेनेरिक, कॉमन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बनी फैमिली, कॉमन यूज केस मॉडल बना। मगर अब क्या है
पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का अलग अलग, विजन एसआरएस यूज केस अलग, विजन एसआरएस यूज केस अलग, विजन एसआरएस यूज केस अलग. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वो कॉमन सेट ऑफ सारे बिहेवियर आ गए और यहाँ यहाँ पे उनके जो डेडिकेटेडली उनके स्पेसिफिक अपने जो फीचर्स हैं, उनके अपने बिहेवियर्स हैं, वो आ गए. वही बात है बिजनेस एंड मार्केटिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. मैं आपको शुरू में भी बता रही थी कि ये वाला डॉक्यूमेंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये मैं आपसे नहीं बनवा रही. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. ये मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, चैनलाइजेशन से रिलेटेड, उसकी मार्केटेबिलिटी से रिलेटेड, फिजिबिलिटी से रिलेटेड, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो इसके अंदर आप मार्केट की डोमेन की बातें वो सारी इसके अंदर करते हैं. तो यही बात है कि इसके अंदर आप जिन जिन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं वो ये है कि इसके कस्टमर कौन है, यूजर कौन है, मार्केट में इसकी क्या पोजीशन है, मार्केट में इसकी क्या जरूरत है, मार्केट में इसकी क्या जगह है, कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन सी टारगेट यूजर इसको यूज करेंगे, ये कितना सेल होगा, कितना इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कितनी मार्केट वैल्यू, इस तरह के बहुत सारे, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हैं, कितने लोग इसको इंटरेस्टेड होंगे बाय करने में, इसके फायदे क्या होंगे, ये सारी चीजें, और क्यों इसको खरीदेंगे, इस तरह की बातें जो है वो सारी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में आती हैं. अब आते हैं विजन डॉक्यूमेंट. ठीक है, जो आपने प्रोड्यूस करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो रिक्वायरमेंट का पायरामिड हमने पढ़ा था उसके जो टॉप के ये टॉप के टू बताया था ना मैंने आपको, रिक्वायरमेंट्स पायरामिड में टॉप के जो टू कंपार्टमेंट्स थे, नीड्स और फीचर, ये वाला जो पार्ट है ना इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए जो यूज होती है चीज, दैट इज विजन डॉक्यूमेंट. ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जो है वो फीचर्स और नीड के ऊपर काम करता है. इसका अभी डिटेल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के साथ काम नहीं होता. ठीक है, ये वैसे इतना डिटेल होता है डॉक्यूमेंट के लगता है जैसे ये भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ही बता रहे हैं, मगर ये किस पे बात कर रहा होता है, नीड्स और फीचर्स के ऊपर. ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि फीचर्स जो है वो मोर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की. और ये क्या है, एक जर्नल टर्म में एप्लीकेशन को जो है वो डिस्क्राइब करता है, टारगेट मार्केट की बात करता है, टारगेट यूजर्स की बात करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बार बार मैं बात कर रही हूँ, फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन. फीचर, फीचर्स, 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 इसको मैं बार बार यूं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप याद रखें, फीचर्स. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैप्चर्स द नीड ऑफ अ यूजर, द फीचर्स ऑफ द सिस्टम एंड द कॉमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. वही बात है, इट स्कोप एक्सटेंड्स ओवर द टॉप टू लेवल्स, ऊपर की दो मंजिलें जो है ना सॉफ्टवेयर पैरामिड की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो है ना ये हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन कर रहा होता है. और ये क्या है, इसका फोकस क्या है कि अर्ली फेज ऑफ प्रोजेक्ट पे जो है वो आपको पता चल जाए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको बाद में कितना रिटर्न, कितने बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा. अब वही बात है कि आप जो हैं अभी जो मुझे सबमिट करेंगे दैट वुड बी रिलीज या वर्जन 1.0, जिसके अंदर अभी आप मुझे इनिशियल डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे. ठीक है, ये न्यू एप्लीकेशन का ये पहला वर्जन होता है. ठीक है, और उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसमें आपके यूज़र, मार्केट, फीचर्स जो कि आप वर्जन 1.0 में बताएंगे, कुछ और फीचर्स, एक्सटेंडेड फीचर्स. ठीक है, अब आते हैं 2.0. अब ये कब आएगा, वही बता रही हूँ आपको कि आप जमा कराएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, मुझे लगेगा कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, मैं चीज़ें निकालूंगी, कुछ डालूंगी. ठीक है, वो करके तो आपका दूसरा वर्जन आएगा. ठीक है, वो इम्प्रूव वर्जन होगा, मोर इम्प्रूव वर्जन ऑफ देन योर फर्स्ट वर्जन. उसमें मजीद चीजें डिस्कवर होंगी. तो क्या है, एज अ रिजल्ट द डॉक्यूमेंट टेंड्स टू ग्रो एंड अपडेट. अब एक चीज है डेल्टा विजन डॉक्यूमेंट, ये क्या टाइप है. अब डेल्टा आपको पता है कि आप अगर फिजिक्स कभी बचपन में या किसी भी लेवल पे आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो डेल्टा चेंज को कहते हैं, डेल्टा रेट ऑफ चेंज को कहते हैं. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, जब वर्जन 1 बना, फिर वर्जन 2, ठीक है, फिर वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5 एंड अप टू सो ऑन. अब हो क्या रहा है, हो सकता है वर्जन 1 के बाद वर्जन 2 में जो है वो इतनी चेंजेस ना आई हो, इतनी तब्दीलियां ना आई हो, कुछ कुछ सेक्शंस जो है ना वो चेंज हुए हों, मगर क्या है, आपको टेम्पलेट फॉलो करना है. आपको वर्जन 2.0 में वो ही चीजें दोबारा रिपीट करनी पड़ेंगी जो कि वर्जन 1.0 में ठीक थी. ठीक है, जो ठीक थी उसमें, जो खराब थी वो तो 2.0 में आप इम्प्रूव करके जमा कराएंगे, मगर जो ठीक थी वो भी दोबारा आपको लिखनी पड़ेंगी. आप ज़ाहिर कॉपी पेस्ट ही करेंगे, मगर फिर भी लिखनी पड़ेंगे. इसी तरह वर्जन 3.0 में चीजें इंप्रूव होंगी, मगर जो ऑलरेडी इंप्रूव थी वो भी आपको रिपीट करनी पड़ेंगी.
तो क्या इसमें बात हुई, जो रिसर्चर्स ने उन्होंने ये कहा कि जो डेल्टा विजन डॉक्यूमेंट है ना, उसमें सिर्फ आप क्या करें कि जो नया डाला है और जो चेंज डाला है, ठीक है, जो चीजें ऐड की हैं, जो चीजें चेंज की हैं, सिर्फ उनको मेंशन कर दें, और जो ऑलरेडी ठीक है वो जो वर्जन का जो भी वर्जन पहले था और उनके सेक्शंस ठीक थे उनको रहने दें, उसके साथ डेल्टा विजन जो है ना डॉक्यूमेंट आप लगा दें जो कि चेंज की है या जो नया डाला है, ठीक है। इसमें क्या फोकस होता है, व्हाट हैज चेंज एंड व्हाट इज न्यू, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें और आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें। ओके नेक्स्ट, अब ये आपकी एक्टिविटी भी है, ठीक है, ये जो आपकी वर्कशॉप या एक्टिविटीज भी पैरेलल चल रही है ना, आपकी प्रोजेक्ट भी पैरेलल चल रहा है और आपकी एक्टिविटीज भी जो है वो पैरेलल चल रही है। ओके अब ये जो प्रोडक्ट पोजीशन स्टेटमेंट है, ये मजे की बात है, ये आपके विजन डॉक्यूमेंट में भी आएगी, उसमें आपने इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डालना है, और ये एक्टिविटी में तो है ही आपकी जिसमें आपने इसको कैफेटेरिया मैनेजमेंट सिस्टम पे मैप करना है। अब ये जो इसका टेम्पलेट है, नीचे ये एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल, और आपकी एक्टिविटी भी मैंने काफी सारी एग्जाम्पल्स डाली हुई हैं, इंटरनेट पे भी आपको बेशुमार मिल जाएंगी, पर मकसद फिर वही है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपने वहां से रेफरेंस लेना है और उसको मैप करना है, ठीक है। आप अगर इसके टेम्पलेट को देखें तो इसके जिस तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ना, आपको याद है, प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, फिर नंबर लूज करते हैं। एक चीज थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने स्टार्ट में मुझे जमा कराई थी, और एक होती है पोजिशन स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर स्टेक होल्डर की अपनी अपनी होती है, ये आपको याद है ना, जबकि प्रोडक्ट पोजीशन स्टेटमेंट पूरे प्रोजेक्ट की, पूरे प्रोडक्ट की एक ही होती है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट की, पूरे सॉफ्टवेयर की एक ही होती है, वो अपनी अपनी होती है हर स्टेक होल्डर की, ये एक ही होती है। अब यहां पे जो सेक्शन है फॉर वाला सेक्शन क्या कहता है कि आपने यहां पे लिखने हैं वो कस्टमर्स जिनके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल होगी, वो कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स जिनके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो फ्रूटफुल होगी। हु, अब इस प्रोडक्ट की बात हो रही है, हु कौन है, ये प्रोडक्ट, ये जो है ये कैसे जो है वो एक नीड या एक अपॉर्चुनिटी है उन कस्टमर्स के लिए, ठीक है, यानी कि इसकी क्या जरूरत है, एक क्या क्यों है, ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी है या इसकी क्या जरूरत है, नीड लिखनी है आपने। द प्रोडक्ट नेम, ठीक है, द के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम है, या वॉट एवर, ठीक है, द के साथ प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और आगे लिखेंगे कैटेगरी। कैटेगरी का क्या मतलब है, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन, और इट्स अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वॉट एवर इट इज, यहां पे वो लिखेंगे आप, कैटेगरी लिखेंगे। दैट में क्या लिखेंगे, वो की बेनिफिट्स जो के किसी कस्टमर को इस प्रोडक्ट को खरीदने पे मजबूर कर दे, ठीक है, की बेनिफिट। अनलाइक, अब आपको पता है कि जब कोई मार्केट में नई चीज आती है तो ये नहीं होता कि कोई नया अछूता कोई बम फटा फटाफट एक नया बिग बैंग थ्योरी हुई है, उस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, डेफिनेटली नॉट। उससे पहले मार्केट में उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स काम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऊबर की या करीम की एग्जाम्पल दूंगी कि ऊबर के आने से पहले करीम मार्केट में काम कर रही थी, तो ऊबर को अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ऐसा यूनिक करना था, अगर ऊबर भी वही काम कर रहा होता तो फिर लोग कहते हैं अच्छा तो फिर हम ऊबर क्यों यूज करें, ठीक है। इसी तरह फूड पांडा ऑलरेडी काम कर रहा था तो चीते आ गया, वी डिलीवर आ गया, वट एवर जो भी एप्लीकेशन उसके बाद आई, तो क्या हुआ कि जब भी कोई नई एप्लीकेशन आती है तो पहला दिमाग में सवाल आता है कि भाई ऑलरेडी जो मौजूद हैं, जब वो मौजूद हैं तो फिर हम नया क्यों। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं आप, पहले बताते हैं कि प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स इस वक्त मार्केट में उस तरह की एप्लीकेशन के कौन कौन से ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, और उनके जो है ना आप क्या बताते हैं, उनके फ्लॉज बताते हैं कि इन इन सॉल्यूशंस में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि एक नया सिस्टम जो है वो मार्केट में आए। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम पहलों के बताएंगे, पहलों के नाम बताएंगे, उनके प्रॉब्लम बताएंगे, तो ही आपकी जो है ना वो स्टोरी बिल्ड होगी ना उसके ऊपर कि हाँ जी अब आप नई जो चीज़ लाना चाह रहे हैं वो आप क्यों लाना चाह रहे हैं, उसकी ये रीज़न है। और फिर ओवर प्रोडक्ट, अब अपने प्रोडक्ट की जो है ना आपने डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो सामने रखनी है, अनलाइक की, यानी कि जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ना उसके कंपैरेटिव, उसकी रोशनी में
कि हाँ जी अब जो हमारा सिस्टम आ रहा है वो कैसे जो है ना वो इन तमाम मसलों का जो है ना वो फकी के तौर पे काम करेगा। जैसे एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि फॉर एबीसी कॉलेज स्टूडेंट प्रोफेसर्स एंड कोर्स रजिस्ट्रार, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात हो रही है, हु जिसमें आपने क्या बताना है कि नीट बतानी है, क्या होगा अटेंडेंस टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोर्सेज, ठीक है उनका। ओके सो इस वीक का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, दैट इज स्टोरी बोर्डिंग एंड डिटेल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन। तो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।